कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतों में इजाफा ना रोका जा सका। कल कोयटा में 1 किलो चीनी पर 15 रुपए बढ़े, आज फिर 15 रुपए का इजाफा हो गया। फी किलो कीमत 220 तक जा पहुंची, 4 दिन में कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी। चमन कोयटा से भी आगे फी किलो कीमत 230 रुपए, कराची में भी चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए किलो हो गई। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो में फरोख्त, छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब हो गई। सरगोधा में 3 दिन में चीनी की कीमत में 35 रुपए इजाफा, 1 किलो 185 रुपए में दस्तयाब। चीनी की बेलगाम कीमतों का जिम्मेदार कौन? एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी साबिक वज़ीरे तिजारत नवीद कमर पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक इत्तेहादी हुकूमत की सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती।